नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्यपुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 14 और उसका शीर्षक है वन हमारी अमूल्य संपदा। चित्र पर आधारित गतिविधि है यहाँ पर बच्चों, और आपको बताना है अच्छे पर्यावरण होने के कुछ फायदे। ठीक है, अच्छा अगर पर्यावरण है हमारे आसपास, हमारे देश का, हमारे शहर का, तो उसके क्या फायदे होते हैं ये आपको स्वयं बताने हैं। अब हम करते हैं पाठ में प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, इनका संरक्षण मतलब इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए शुरू करते हैं। मानव जीवन का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर है। मानव जीवन का जो अस्तित्व है वो पूरा का पूरा पर्यावरण के हिसाब से ही निर्धारित होता है। मनुष्य की लगभग सभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण के विभिन्न घटकों के द्वारा ही होती है। वायु, जल, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं। पर्यावरण का संरक्षण स्वस्थ और सुखी मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक है। पर्यावरण के विविध घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। वन आदिकाल से ही जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रमुख साधन रहे हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। ये आश्रम विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उस समय गुरुकुलों की स्थापना वनों में होती थी। इसके पीछे विचार यह था कि प्रकृति से संबंध बना रहे, वो प्रकृति से जुड़े रहे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख हैं। अर्थवेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटना निषेध किया गया है क्योंकि वे परिवार की सुख समृद्धि का आधार है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। अतएव वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन मानव जीवन की सुख सुविधाओं के लिए परमावश्यक है। वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। वृक्षों के महत्व के संबंध में एक वृद्ध किसान तथा राजा के बीच वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है। वृद्ध किसान सड़क के किनारे आम का एक पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा और शीर्णकाय था कि उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। संयोगवश मार्ग से राजा का रथ निकला। उसने वृद्ध को पौधा लगाते देखा तो उसके पास पहुंचकर पूछा, बाबा जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, क्या आप इस वृक्ष के फल खा सकेंगे जो इतनी तन्मयता से यह पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जिस पौधे को मेरे बाप दादा ने लगाया था उसके फल मैं खाता रहा हूँ। इसी प्रकार जो पौधे मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे बेटियाँ और पोते पोतियाँ खाएंगे। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर हैं, ये हमारी अमूल्य संपदा है। राजा ने प्रसन्न होकर वृद्ध को पुरस्कार दिया और सम्मानित किया। वृद्ध किसान का कथन पूर्णतः सत्य था। वन तथा पेड़ पौधे संपूर्ण मानव जाति के लिए धरोहर हैं। हजारों वर्षों से मनुष्यों की एक पीढ़ी इन्हें अगली पीढ़ी को सौंपती आई है। अतः वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण करे। हमारे अनेक प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मनुष्य के पुत्रों के समान बताया गया है। जिस प्रकार सुपुत्र अपने सत्कर्मों से पिता के यश को फैलाते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी उन्हें लगाने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद सुदीर्घ काल के लिए यशस्वी और स्मरणीय बना देते हैं। क्योंकि जो वृक्ष लगाता है, अगर वो
ना भी रहे इस दुनिया में तो भी उसे याद किया जाता है उस वृक्ष के जरिए। यह भी माना गया है कि कुछ वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं। इसी कारण कुछ पेड़ पौधे जैसे पीपल, आंवला, विल्व जिसे हम बेल भी कहते हैं, तुलसी, केला आदि पूजनीय माने गए हैं। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अब पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। दोनों में यही अंतर है कि जो सोना धातु खान के अंदर मिलता है, जबकि हरा सोना वृक्ष खुली भूमि पर सुलभ है। वृक्षों के लाभ भी अनेक हैं। ये वर्षा में सहायक हैं। वृक्षों की घूमती हुई शाखाएं श्याम मेघमालाओं को जलवृष्टि का निमंत्रण देती हैं। वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। तेज बहाव रुकने से भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है। अगर उर्वरा शक्ति बच्चों सुरक्षित रहेगी तो उस भूमि पर बहुत ही बढ़िया तरह का अनाज, फल आदि आ सकेंगे। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, छाल, फल, फूल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने तथा ईंधन के काम आती है। वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचाकर हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। ये भूमि को अधिक तप्त होने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष ना होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना अधिक हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ पिघल जाती। उस बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती कि पृथ्वी उसमें समा जाती। तब ना पृथ्वी पर मानव रह पाता, ना पशु पक्षी और ना ही वनस्पति जगत ही। वन उपज का उपयोग गृह निर्माण, मेज कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, खिलौने, खेल की सामग्री, वाद्य यंत्र, नौकाएं, खंभे, पुल, कागज, माचिस आदि बनाने में किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाने से अधिक खेती के लिए वनों की कटाई बढ़ती गई। नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्गों और एवं सड़कों का विस्तार करने के लिए भी वनों का सफाया किया गया। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही वनों के क्षेत्र को बढ़ाने तथा हरितिमा संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने होंगे। जहां नगरों और सड़कों का निर्माण किया गया है, उनके किनारे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष होने से जहां वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी, वहीं यात्रियों को शीतल छाया भी सुलभ होगी। आम के आम, गुठलियों के दाम। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक हैं। विगत दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई होने से वनों का क्षेत्र घटकर 20% से भी कम रह गया है। वनों की इस कमी की पूर्ति हेतु सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया। इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर विविध प्रकार के वृक्ष लगाए गए। जिन क्षेत्रों में वनों का विशेष रूप से अभाव हो गया था, वहां पुनः नए सिरे से वृक्षारोपण किया गया। देश में वन क्षेत्र के विस्तार को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में वन विस्तार को स्थान दिया जाता है। सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को खेतों की मेड़ों तथा अन्य खाली पड़ी भूमि में वृक्ष लगाने के लिए सरकार द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से
प्रत्येक विकास खंड में प्राय 2 हेक्टेयर भूमि में पौधशाला की व्यवस्था की गई है। इन पौधशालाओं के लिए वन विभाग द्वारा विविध प्रकार की पौध तैयार की जाती है। इस कार्यक्रम से अधिकाधिक क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए गांव और नगरों के निवासियों को परामर्श से पौधों के रोपण क्षेत्रों का चयन एवं निर्धारण किया जाता है। इन रोपण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक हैं। ये आंधी तूफान की तेज़ गति को नियंत्रित रखते हैं, भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं तथा भूमि को अपनी जड़ों से जकड़कर चट्टानों और मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगती है और बाढ़ आने का खतरा बन जाता है। वनों तथा परिवेश के हरे भरे पेड़ पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रदूषण को रोककर वायुमंडल में संतुलन बनाए रखना है। ये वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक हैं। अतः वनों की अमूल्य संपदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने तथा मानव जीवन को सुखी और आनंदपूर्ण बनाने के उद्देश्य से वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण द्वारा हरितिमा संवर्धन अत्यावश्यक है। इसी में मानव जीवन की सुख समृद्धि निहित है। तो आपको इस पाठ को पढ़ने से वनों की महत्वपूर्णता समझ में आ गई होगी कि क्यों वृक्ष लगाए जाने चाहिए और हमारे पर्यावरण का सुरक्षित रहना और हरा भरा रहना कितना ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमें दिए हुए हैं बच्चों कठिन शब्द जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। अस्तित्व, पर्यावरण, बुनियाद, घटक, ग्रंथ, विभूति, अग्निपुराण, मत्स्य पुराण, क्षीणकाय, विद्यमान, तन्मयता, अमूल्य, संपदा, सुपुत्र, सुदीर्घकाल, विल्व, सुलभ, उर्वरा, तप्त, शाखा, निर्माण, उपकरण, दशक, प्रोत्साहित, लाभान्वित, आर्द्रता, अमूल्य, संवर्धन, हरितिमा, आनंद, पूर्ण। तो हम अब हमें दिए हुए हैं बच्चों शब्द अर्थ जो आपको याद भी करने हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने भी हैं। पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर का वातावरण। क्षीणकाय का अर्थ है अत्यंत दुर्बल। बुनियादी, आवश्यक। तन्मयता, लगन और प्रेमपूर्वक। घटक, वे तत्व जिनके परस्पर मिलने से कोई रचना या परिणाम प्राप्त होता है। धरोहर, अमानत। व्यापक, विस्तृत। निषेध, मना। आर्द्रता, नमी। संवर्धन, वृद्धि, बढ़ावा। हरितिमा, हरियाली। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पाठ की। तो बताएं क्या पढ़ा। प्राचीन काल में गुरुकुलों की स्थापना वनों में क्यों की जाती थी। बच्चों प्राचीन काल में गुरुकुलों की स्थापना वनों में इसीलिए की जाती थी ताकि शिष्यों का भी गुरु तो चाहते ही थे कि वन में वो रहें, इसीलिए वहाँ पर गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। परंतु प्राचीन काल में ये स्थापना इसीलिए की जाती थी ताकि प्रकृति से संबंध बना रहे। वन पर्यावरण को किस प्रकार संतुलित रखते हैं। बच्चों पर्यावरण को संतुलित रखने में वनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वनों में जो वृक्ष होते हैं वो अपनी ओर वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिससे कि हमारी धरती पर पानी की कमी नहीं होती। वन ही हैं जो अत्यंत पानी के बहाव को रोकते हुए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाते हैं। वनों से हमें अपने दिनचर्या के लिए या रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए लकड़ी भी
प्राप्त होती है। इस प्रकार वन पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। वनों में जो वृक्ष हैं वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वृक्षों के संवर्धन हेतु क्या प्रयास करने होंगे? वृक्षों के संवर्धन हेतु हमें नगर, नहर और सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने होंगे। तो इस तरह से वृक्षों का संवर्धन होगा। वनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है? अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जा सकते हैं और उसी तरह से हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। इनमें से कौन सा पर्यावरण संतुलन का घटक नहीं है? सोना। वृक्षों की जड़ें भूमि की डैश सुरक्षित रखने में सहायक होती हैं। उर्वरा शक्ति। वृक्षों के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ सुरक्षित रह सकी है। वृक्ष आंधी तूफान की तेज गति को नियंत्रित करते हैं। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। मानव जीवन का अस्तित्व पर्यावरण पर निर्भर है, बिल्कुल सही। भारत के प्राचीन ऋषि मुनि घरों में रहते थे? नहीं, वो वनों में रहते थे। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटने का निषेध किया गया है, सही। राजा ने वृद्ध को फूल तोड़ते हुए देखा? नहीं, राजा ने वृद्ध को आम का पौधा लगाते हुए देखा। राजा ने वृद्ध को पुरस्कार दिया, बिल्कुल सही। तो चलिए आगे चलें। निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं बच्चों। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास मौजूद सभी चीज़ें, जिसमें सजीव या निर्जीव सभी शामिल हो। पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब है हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब है बच्चों परिवेश। तो पर्यावरण बना है हमारे जो चारों ओर हमारा परिवेश है उससे बना है पर्यावरण। इसीलिए पर्यावरण में वन, पेड़, पौधे, वायु, मिट्टी, जीव जंतु आदि सभी आते हैं। पर्यावरण संरक्षण का क्या महत्व है? मानव जीवन का अस्तित्व बच्चों पर्यावरण पर ही निर्भर है। मनुष्य की लगभग सभी बुनियादी आवश्यकताएं पर्यावरण के द्वारा ही पूरी होती हैं। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वायु, जल, पेड़ पौधे, मिट्टी आदि ये सब पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं। पर्यावरण का संरक्षण और उसका पालन करना, उस संरक्षण को बनाए रखना सुखी मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन किस हेतु आवश्यक है? वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। यदि हम सड़कों के किनारे या नहर के किनारे वृक्ष लगाएंगे तो उससे एक तो वायुमंडल का संतुलन भी बना रहेगा और आने जाने वालों को सुलभ छाया भी प्राप्त होगी। हरा सोना किसे कहा गया है? हरा सोना पेड़ पौधों और वृक्षों को कहा गया है जो बहुत आसानी से भूमि पर सुलभ है। सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का चलाया हुआ कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत बच्चों सरकार द्वारा कृषकों को उनकी मेड़ पर लगाने के लिए या सड़क के किनारे खाली भूमि पर लगाने के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक और कार्यक्रम भी चलाया गया है, एक बच्चा एक वृक्ष, ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पेड़ लगाने के लिए और अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो बच्चों आशा करती हूँ अब आप सबको भी पर्यावरण का महत्व समझ में आ गया होगा।
इसीलिए आप भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि आपका पर्यावरण संतुलित रहे और हमारा देश, हमारा समाज स्वस्थ रहे। आभार, मिलते हैं अगले पाठ के साथ।